हेलो जी वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग आज ये आप पीछे देख रहे हैं बड़ा ही ज़बरदस्त काम हो रहा है नत्थे डालने लगे हैं ओपल ब्रीड है पीकॉक्स की मोरों की वो बड़ी ही डेंजरस है वो एक दूसरे से ऐसे लड़ लड़ के लड़ लड़ के तबाही उन्होंने निकाली होती है आज उनका इलाज करने लगे हैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं ये देखें ये अभी इसके नोज़ के ऊपर ये डाल दी जाएगी और इनका काम हो जाएगा ओके फिर ये दोबारा ना लड़ पाएंगे और बड़े सुकून से रहेंगे बाकी इसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है ये इम्पोर्टेड ब्रीड है ओपल का इसका नाम है अभी ये हमारे पास बच्चे हैं अभी इनकी ब्रीड नहीं आगे आ रही अभी ये ख़ुद आगे नेक्स्ट ईयर इनशाला इनकी ब्रीड होगी चलें जी ये इसका हो गया है काम ओके ये प्ला प्लास्टिक की होती है ये इनके नाक के ऊपर लगाई जाती है और इसके बाद ये दोबारा ना तो किसी को मारेंगे बड़े सुकून से रहेंगे अभी इमरान भाई एक और पकड़ने लगे हैं ये चार हैं चारों को चारों को इज्जत डालनी है क्योंकि चार के चार ही बड़े ख़तरनाक हैं ये मारते हैं एक दूसरे को खून निकल आता है किसी के सर में लग जाता है बड़ा मसला होता है चलो जी अभी एक और पकड़ लिए ये दूसरा पकड़ लिया है अब इसके ऊपर भी डालेंगे आए हाय आज इन सारों का इलाज हो जाना है, फिर सारे शरीर बन रहा करेंगे चले जी जब हो गए हैं ओके ये सिर्फ इनको नहीं डाल रहे जितने भी हमारे पास मोर हैं बच्चे हों बड़े हों सारों को डालते हैं क्योंकि ये सारों की ही आदत होती है के लड़ते रहते हैं आपस के अंदर अगर इनके अंदर कोई न्यू पेयर डाल दिया जाए मतलब कि नया मोर या मोरनी वगैरह किसी ब्रीड के साथ डाल दी जाए तो तब भी कुछ दिनों तक मसला करते हैं उसमें ये होता है कि कोई किसी की आँख फोड़ देता है कोई किसी के बाल नोचना शुरू कर देते हैं बस जो कमज़ोर होता है बबाकि सारे अक्सर उसको भी मारना शुरू कर देते हैं तो इस वजह से ये डालना लाजमी होता है ये प्लास्टिक की मिलती हैं बनी बनाई होती हैं तो ये एक दफ़ा जब डाल दे तो जान छूट जाती है बस फिर अभी ये तीसरे वाला बकड़ा हुआ है उसको डालने लगे हैं मुबीन भाई और ये इसको डाल दिया ये देख देखें ऊपर करें जिसको थोड़ा ए, ये देखें ये प्लास्टिक की होगी ओके हो गया चलो छोड़ दो इसे और ये बाहर से इम्पोर्टेड मंगवाई गई है ये इसके टैग्स वगैरह हाँ। भी लगे हुए हैं हाँ। मार रही है ये <laughs> ये इसका ग्रीन कलर का जो टैग लगा हुआ है ये इसी की निशानी है ये इस साल हमारे पास आए हैं अभी इसकी कितनी एज है है मोहबीन भाई एक साल एक साल इसकी एज है बस ये इनशाला जो है नेक्स्ट ईयर होगा ना ब्रीडिंग का उसके अंदर ये ब्रीड करना स्टार्ट हो जाएंगे अब जो तो जो साल था वो गुजर गया अब ये इन नेक्स्ट ईयर जो होगा उसके अंदर इनशाला इनकी ब्रीड वगैरह आएगी ये अब इन चारों को नकलें वगैरह डल गई हैं और ये ओके हो हो गए हैं और अच्छा इनका आपको थोड़ा थोड़ा सा इसके बता देता हूँ कि इसका कलर और ब्यूटी चेक करें इतने ये खूबसूरत हैं ये इन अब इनकी अगले साल ब्रीड हमारे पास आएगी तो इन इनके बच्चे वगैरह भी आपको दिखाऊँगा तब तक, तक और अब ये थोड़े थोड़े डरे इसलिए एक तो मैं केज के अंदर हूँ और दूसरा अभी इनको पकड़ा था नक्सलियाँ वगैरह डाली थी तो इस वजह से ये थोड़े से घबरा रहे हैं बाकी ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं और ये इंतहाई महंगे हैं और इनका जो मेल और फीमेल है वो अभी नहीं क्लियर होता ये अभी थोड़े से बड़े होंगे तीन चार माह तक फिर इनका पता चल चलेगा इनके अंदर मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है